हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है राष्ट्रीय युवा दिवस और राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज पूरे भारतवर्ष में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे और विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के जितने भी मठ है वहाँ पर बड़े धूमधाम से आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। और उसी जन्म दिवस के रूप में भारत के हर स्कूल में आज राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सूर्य नमस्कार का भी प्रोग्राम रखा जाएगा, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, हमें भूलना नहीं है, विवेकानंद जी का जन्मदिन 12 जनवरी को आता है। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था और उनकी जो निधन है वो 1902 में हुआ था। उन्होंने अपने 40 वर्ष के कार्यकाल में अपने देश को एक बहुत बड़ी पहचान दिलवाई थी। विवेकानंद जी आधुनिक भारत के निर्माता माने जाते हैं। उनका जीवन, उनका एक एक क्षण, उनका परिश्रम हमारे देश के युवाओं को प्रेरित करता है कुछ एक नई ऊर्जा के रूप में। उनके जो अनमोल विचार हैं, उन विचारों को पढ़ के सुन के हमारे देश के युवा अपना करियर बना रहे हैं। उनके अनमोल विचार हर एक इंसान में एक एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं। वो बहुत ही बड़े एक त्याग तपस्या के पुजारी थे, जिन्होंने अपने भारत को सनातन धर्म को विश्व के बड़े सम्मेलन शिकागो में एक नई पहचान दिलवाई है। उनका भाषण आज भी दुनिया में एक सर्वव्यापक प्रभावशाली भाषण माना जाता है। स्वामी विवेकानंद एक मठ से निकले हुए बहुत ही प्रभावशाली विद्यार्थी थे, जिन्होंने भारत को एक नई पहचान दिलवाई है, जिनका सभी लोग इवन मैं भी स्वामी विवेकानंद से काफ़ी प्रेरित हूँ। उनकी प्रेरणा से मेरे जीवन में बहुत कुछ बदलाव आया है। तो दोस्तों, आप भी विवेकानंद जी के विचार और उनकी क्रियाशीलता, कर्मठता, त्याग तपस्या को पढ़कर सुनकर अपने जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। उनके अनमोल विचार मुझे थोड़ा बहुत याद है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, तो मैं कुछ लाइनें कहना चाहूँगा। सबसे पहले उन्होंने बोला था, उठो जागो तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो उनका कहना था कि जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए हमें रुकना नहीं चाहिए, निरंतर चलते रहना चाहिए। उन्होंने बहुत सारे ऐसे विचार युवाओं के लिए दिए जो एक हर एक जीवन में एक व्यक्तित्व में बदलाव आ सकता है और ये बदलाव उसके जीवन में बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। टेक रिस्क इन योर लाइफ इफ यू विन, अगर आप जीतोगे तो यू कैन लीड, तो आप लीड कर सकते हो। इफ यू विल बीट, अगर आप हारोगे तो मार्गदर्शक बनोगे। तो ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी के बहुत सारे विचार हैं जो हम अपने जीवन में ला सकते हैं और उतार सकते हैं। तो आई होप दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। स्वामी जी के जन्मदिवस के रूप में मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूँ। दोस्तों, आप भी स्वामी जी की किताबें पढ़ें, उनसे इंस्पिरेशन लें, और अगर आप टीचर हो तो अपने बच्चों को विवेकानंद जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, ताकि उनके जीवन में भी एक नया बदलाव आए। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।